हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो उसी तैयारी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 1 मिलियन जीके क्वेश्चन इन हिंदी में यूट्यूब पर पहली बार। इसका पार्ट 4 हम लोग करेंगे। 1 मिलियन क्वेश्चन यूट्यूब पर पहली बार लेकर आई हूँ मैं, तो आज पार्ट 4 करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे 350 to 400 क्वेश्चन इस वीडियो के बाद कवर हो जाएंगे। आप लोग काउंट करते चलिए कि हम लोग कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इतना श्योरिटी है, गारंटी है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैंने आपको, तो आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि करंट अफेयर आपको अलग से अभी थोड़ा सा करना है, अगर किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा आपको अलग से। और इसी तरह से जिस एग्ज़ाम की जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं उसको आप लोगों को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो एमपी जीके की इस सीरीज़ में हम लोग जीके के ये क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, प्लस मैं अपनी जो भी मेरी सक्सेस मंच चैनल पे वीडियोस चल रहे हैं उसमें एमपीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी मेंस, केवीएस, एनवीएस, सीटेट सबसे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर चलाए जा रहे हैं। प्लस एक स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर की बुक है उसका सार संग्रह मैं विथ पीडीएफ आप लोगों को अपने चैनल पर दे रही हूँ, और आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही यूनिक तरह से वो मैंने पीडीएफ तैयार की है, आप लोग एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। तो जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ की हैं सब आप लोगों के मोबाइल पे, पीसी पे, डेस्कटॉप पे, सब पे आप लोगों को मिल जाया करें। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या है नया 1 मिलियन जीके क्वेश्चन की एक सीरीज़ में आज नया देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आयरन। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है, यहाँ पे रात ये गलती से लिखा हुआ है, परत होगा यहाँ पर, यह है शोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है वो है बहिर्मंडल। शोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। शोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कम होता है, क्रमशः वो कम होता है 1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। मौसमी जो घटनाएं घटती हैं वो शोभ मंडल में घटती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में घटती हैं। वायुयान उड़ते हैं सम तापमंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित होता है आयन मंडल से, वहीं से इसका काम चलता है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं CO2, CFC, CH4 और NO2। आगे वायु में जल की उपस्थिति को कहते हैं आर्द्रता। वायु की आर्द्रता मापक यंत्र है जो वायुमंडल में आर्द्रता को मापता है, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%, मतलब सूर्य की ऊर्जा का 51% पृथ्वी पर पहुंचता है। संवहनीय वर्षा जो होती है वे विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण वर्षा होती है उसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्री जल की औसत जो लवणता है वो 35% है। लवणता माने नमक की मात्रा। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता होती है वान झील जो कि तुर्की में है, जिसकी लवणता है 330%।
जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%, मतलब कि 71% अगर पृथ्वी पर जल है तो उसमें 2.5% स्वच्छ जल है, बाकी नदी नाले महासागर इन सब का जल मिला हुआ है। ग्रेनाइट डोलेराइट और बेसाल्ट होती हैं आग्नेय चट्टाने। शैल चूना पत्थर कॉन्ग्लोमरेट और कोयला होती हैं अवसादी चट्टाने, इसे सेंडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। जल राशि का स्वच्छ जो जल का भाग है ये 2.5, ये हमने देख लिया। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, मतलब कि CO2 और जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत, जिसे ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी फुल फॉर्म है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है, 1 से 5 जून के बीच में। जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर, इसे लौटते मानसून से भी वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरस्कारों और सम्मानों की, कौन से पुरस्कार पहले और कब स्थापित हुए, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ था वो 1954 में हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से संबंधित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये 1990 में दिया गया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे, और इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति राय, और उन्होंने जीता था 1997 में। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलिस्पीन के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर, जो कि शुरू हुआ था 1958 से। एशिया का नोबेल कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, जो कि 1958 में ही इन्हें मिला था पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी किरण वेदी, जिसे 1994 में ये पुरस्कार मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करते हैं फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और इससे सम्मानित प्रथम भारतीय जो महिला थी वो थी डॉक्टर अमृता पटेल। अमृता पटेल को कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रेमी। एक और पुरस्कार की मैंने बात कही है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा पुरस्कार। और ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में, इसकी स्थापना की थी शांति प्रकाश जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 में अवार्ड मिला था। भारत के में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में यह अवार्ड मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, चितंबरा हेतु उनकी एक पुस्तक थी उनके लिए, जो कि मिला था 1968 में। कलिंग पुरस्कार, जिसके संस्थापक थे बीजू पटनायक, दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी
रीता फारिया 1966, रीता फारिया को मिस वर्ल्ड मिला था और मिस यूनिवर्स मिला था सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान जो कि शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, इसका प्रारंभ करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश और इसे 1980 से प्रारंभ किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, जिसे 1958 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, इसको प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राम विलास शर्मा। अब हम मानव शरीर से संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि मानव खोपड़ियों में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, मतलब सांस लेने की जो दर होती है वो 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का जो नॉर्मल वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर हड्डी है, जो जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, जो कि दांत में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है बीपी, वो 120 से 80 के बीच में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकेंड, मतलब 23 सेकेंड में एक बार रक्त परिभ्रमण करता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%, ये आपके वेट पे डिपेंड करती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त जो कि क्षारीय होता है, इसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करती है वक, जिसे किडनी कहते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मानव रक्त जो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये हमने देख लिया था। लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोलर ओ है, ये सब सभी को खून दे सकता है अपना। और सर्वग्राही रक्त समूह है, जिसकी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, जो सबसे ले सकता है, वो है ए बी। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसे स्प्लिन कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त या बाइल श्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो पिट्यूटरी है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, मतलब कि 23 जोड़ा। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मूत्र में दुर्गंध जो आती है वो आती है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान होता है 6। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय, और उसका पीएच मान कितना होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टीबिया नामक जो ग्रंथि है वो हड्डी पाई जाती है पैरों में।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसे सेरेब्रम भी कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। तो आज हमने बात की पर्यावरण के बारे में, कुछ पुरस्कार देखे कब शुरू हुए और किनको मिले, और बात की सामान्य विज्ञान की, नॉर्मल साइंस की, जो बहुत ही इजी है बट कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और जाएंगी आगे भी। लगातार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट हम लापरवाही के कारण इन सबको लर्न नहीं करते। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है कि आप लोग एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन यहाँ पर लर्न कर सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।